नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर स्वागत है आईएम मैकेनिक चैनल पर। आज हम बताएंगे लकड़ी काटने वाले मशीन का चयन कैसे टाइप किया जाए। आगे चले बताते हैं। पहले नंबर प्लग इंच ले लीजिए, ये तो मशीन का साथ ही आता है और ये तो जैसे चयन इसका सही है। अभी अभी तो हम तो वीडियो बनाने के लिए दिखा रहे हैं। पहले नंबर ये दोनों नट खोलिए, ऐसे ऐसे हल्का सा ढीला कर लीजिए। फिर यहाँ देखिए, एक घाट होता है, घाट ऐसे इस टाइट कीजिए ऐसे। ऐसे ऐसे टाइट कीजिए। पहले नंबर इसको हम खोल के बढ़िया समझाते हैं। हेलो भाई, हम खोल लिए हैं इसे। ये देखिए, अब चैन इसका एकदम लास्ट आया है, थोड़े से बाकी है। अब पहले नंबर हम ये तो इसी से हो जाता है, ऐसे टाइट किया जाए, ऐसे टाइट हो गया चैन। और इधर जब घुमाएंगे बाएं साइड का तो ये चैन लूज हो जाएगा। और ऐसे ऐसे लूज होता जाएगा और यस दैन टाइम में जब टाइट किएंगे तो चैन टाइट होगा। हेलो गाइज, हम एक बार बताएंगे लूज और टाइट करके कैसे है, जैसे ऐसे चैन लूज हो जाता है। अब इसको टाइट कैसे करें? अब इसको टाइट कैसे किया जाए? हेलो गाइस, जिसको इतना चैन इसका लूज है, अब हम टाइट करके इसको बताएंगे। रिन चिप देखे रहे यहाँ पर, जो पेचकस टाइप में है, चाहे पेचकस लीजिए चाहे टिपानस हो जाएगा। जैसे पूरा सेट सेट ही आता है, जैसे प्लग खोलने वाला एक चैन खोलने के लिए। अब बता इसको क्या करना है। अब ऐसे तसले में टिपे इसको सर, ऐसे आराम से टाइट किया जाए। अगर ये मिस है तो इस पार्ट में ऐसे डाल के टाइट कर लिया जाए। और देखिए क्लास टाइट हो गया। अब इसको जो 13 नंबर है नट, इसको हम ऐसे टाइट किया। देखिए गाइस, टाइट हो गया चैन। अब फर्स्ट बार ऐसे नचा के पहले देख लीजिए फ्री है कि नहीं। आपका तो समझ में आ गया होगा कि चैन कैसे टाइट किया जाए। अगली बार अगली पार्ट वीडियो में टू में हम बताएंगे धार चैन में धार कैसे लगाया जाए।